पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ इतनी अच्छी तरीके से बोरे जमीन पे बैठ के हाथों से खा रहे हैं। तो बाबा लास्ट व्लॉग में हम लोग वेलिंगटन सिटी एक्सप्लोर करने निकले थे, जहाँ पे हमने ओरिएंटल बे और क्यूबा स्ट्रीट जैसी फेमस जगहों को एक्सप्लोर किया। जहाँ पे क्यूबा स्ट्रीट पे हमने वहाँ का स्ट्रीट फूड खाया, वहाँ का स्ट्रीट आर्ट देखा और रात को डिनर करके घर आके पत्ते खेल के मस्त सो गए। जैसे ही मैं रात को हम लोग पत्ते वत्ते खेल के सोए, सीधा मेरी आँख खुली है सुबह 9 बजे। मैं आराम से 9:30 सोया था रात को। आज वेदर सुपर विंडी और बारिश दिखा रहा है और अभी भी ऑलरेडी बारिश गिर रही है। मुझे लेने जाना है दूध और ब्रेड, अगर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी गया था तब तो बंद था वो, अगर ओपन हो तो ठीक है वरना देखिए। यार ये अभी भी क्लोज ही है पर वेदर बहुत ही खतरनाक है। मुझे एक ही टेंशन है यार कि आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा जो घूमना है। चाचा पता नहीं अपनी दुकान कब खोलता है यार, बस एक दिन कल दूध लेके गया वो आज तो पूरा दिन बंद का बंद ही है। उसमें कपड़े भी सारे हो गए, काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा और हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि बारिश तो है उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेज। बंद है भाई, ब्रेड लेने कहीं और जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर भी नहीं था तो मैं खुद ही चला गया ब्रेड लेने को, क्योंकि वो लोग सो रहे थे, सोचा मैं ही ले आता हूँ ब्रेड ली सीधा घर। कुछ भी हो जाए बस आज का दिन ख़राब नहीं होना चाहिए, आज का दिन वेस्ट हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कल तो वैसे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 बजे तक हम लोग निकल जाने वाले हैं, क्योंकि दूसरे दिन सबको काम है, कॉलेज है, इस वजह से निकलना ही पड़ेगा। आज का ही दिन है क्योंकि आज फेस्टिवल भी है, ये वेदर बिगाड़ना नहीं चाहिए। एकदम कलरफुल टी शर्ट पहनी है। कहानी में ट्विस्ट आपको दिखाते हैं, मुंह दिखा अपना, अब कहानी में ट्विस्ट दिखा। नेचुरल चश्मे तो है ही, भगवान ने दिए हुए, वो निकल नहीं सकते ना, वो निकल नहीं सकते और इसको निकाल नहीं सकते अभी। वेदर खराब होने की वजह से हमने माउंट विक्टर का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले दिवाली फेस्टिवल और केबल कार था, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा केबल कार की ओर बढ़ते हैं। सब छोड़ मुझे ये बता ये कैसी लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी पर नीचे लिखा क्या है, रीडिंग रूम, लॉन्च बार, लाइव म्यूजिक सुइट एंड ट्रेनिंग। ये इसको लाइब्रेरी कैसे बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे इसको ना, मैं तू ये बता कि दारों के साथ तू पढ़ कैसे सकता है, इसको एक लॉन्च बोल सकते हैं या लाइब्रेरी बोल सकते हैं, या तो उसमें हो सकता है नाम लाइब्रेरी रखा है और उसका पर्पस अलग है, हो सकता है, हो सकता है।
ना पता नहीं कैमरे में क्या देखे जा रहे हैं, कब से कैमरे के सामने घूरे जा रहा है। केबल कार पहुंचने से पहले ही कितने रास्ते में रुक गए हम लोग। यार कोई डेस्टिनेशन हम चूज़ करते हैं ना, हम इंडियन की ये बहुत गंदी आदत है कि डेस्टिनेशन चूज़ तो अच्छे से कर लेते हैं और साला पहुँचते पहुँचते इतने सारे बीच में डेस्टिनेशन आ जाते हैं ना। सही, कि साला जो मेन डेस्टिनेशन होता है वो लास्ट में रह जाता है। पर अभी कोई नहीं, अभी स्टारबक्स पे रुके हैं, अभी कॉफ़ी पियेंगे। स्ट्रीट बहुत लाइव है आज, ऑकलैंड में कभी लाइव नहीं होती ना संडे को स्ट्रीट। यार ऐसा लगता है इधर देख के कि जिंदा है ये सिटी, ऐसा लग रहा है यूरोप की कोई सिटी विटी में आ गया। पेरिस में हाँ वैसा ही लग रहा है, क्योंकि इतना लाइव माहौल कभी भी नहीं होता, कभी भी। ये देखो यहाँ व्हीकल से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, वो सबसे बढ़िया बात है। सही बात है, सही बात। वहाँ पे भाई कभी भी संडे को तो मतलब ऐसा रहता है कि पूरा डेड, कभी भी इतनी पब्लिक देखने को नहीं मिलती। यहाँ भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे रात होती जाती है, दिन ढलता जाता है, पब्लिक कम होती जाती है। यहाँ पर नाइट लाइफ इतनी अच्छी से नहीं दिखी अभी तक, जितनी हम एक्सपेक्ट करके आए थे। और कंपेयर्ड टू ऑकलैंड नाइट लाइफ इधर थोड़ी डाउन है, पर डे लाइफ बहुत अच्छी है। डे लाइफ है ना वो बहुत ही अच्छी है, मतलब वर्थ है, पूरी पूरी सिटी लाइव रहती है, मज़ा आता है यार घूमने को। हम लोग ने कुछ नहीं किया, दो दिन बस स्ट्रीट्स पे घूमे, पर ये अलग ही एक्सपीरियंस था। और स्ट्रीट हर एक स्ट्रीट का एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे ये देख लो यहाँ पे कैफेज और रही है संडे। हाँ नाम बन गया है, पब्लिक है पर ऐसे दिखती नहीं पब्लिक, पर कोई भी दे हो यहाँ पे जो वेदर है, पब्लिक जो घूम रही है स्ट्रीट संडे को ऐसी नहीं होती। ऐसी तूने क्या लिया है मौका? डबल चॉकलेट क्रीम फ्रैपचिनो, कैपुचिनो, टू शुगर, टू शुगर। कॉफ़ी लेने के बाद हम लोग सीधा ही केबल कार के और चले गए, बीच में कहीं भी नहीं रुके, क्योंकि फिर उसके बाद हमें जाना था दिवाली फेस्टिवल के लिए। तो केबल कार पहुँचे, हमने $9 वाली टिकट ली, $9 वाली टिकट रिटर्न है और $5 वाली वन वे। $5 वाली लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ऊपर घर भी है, वहाँ पर लोग रहते भी है माउंटेन पर, और $9 क्योंकि घूमने के लिए मोस्टली सब $9 वाली लेते हैं। तो जैसे ही आई ट्रेन हम लोग बैठ गए, अपनी सवारी निकल गई सीधा केबल कार के टॉप पे जाने के लिए। हम लोग यहाँ पे वेलिंगटन दिवाली फेस्टिवल में आए और सबने अपना खाना शुरू कर दिया है। दाबेली गोरे भी पागल हो गए, गोरे भी जो हाथ में आ रहा है उठा के खा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉल है, पर 10-12 स्टॉल होंगे फूड के अंदर, परफॉर्मेंस चल रहा है। खा लिया है कि अब लगता है साला इंडिया में ही है, अभी तो फीलिंग ही कुछ अलग है, इंडिया की पूरी आदत जा रहा है। और सच में ऐसा लग रहा है कि दिवाली फेस्टिवल चल रहा है। इंडिया में भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ के लोग भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, तो बात ही कुछ अलग है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि सारी डिफरेंट एथनिसिटी यहाँ देखने को मिल रही है, जैसे पंजाबी, गोरे, गुजराती, साउथ इंडियन सारे इकट्ठे हुए। तो ऐसा लग रहा है कि सही में एक अच्छी दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। तो खूबसूरती है इस देश की, इस देश की मतलब अपने देश की है, पर ये लोग भी अपना रहे ना,
हाँ। फिर इनकी भी हुई ना कि जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं हाँ। वरना कई लोग नहीं करते। और पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ और इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट, बोरे जमीन पे बैठ के हाथों से खा रहे हैं और मतलब इंडियन को सामने चाट चाट हजम करने के लिए सोडा मस्ती। तो अभी मसाला सोडा पी के परफॉर्मेंस देखने जाते हैं हम लोग। काफ़ी समय बाद मैंने ऐसा मतलब चल के कोई ट्रिप की हो न्यूजीलैंड में मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर जगह पर जाने के लिए कार का एक्सेस होता है। हाँ कहीं ट्रैकिंग पे जाए कहीं और जाए तो होता है कि हमें चल के जाना हो, पर जैसे मार्केट घूमना हो ये सारी चीज़ें ना इंडिया में मज़ा आती है क्योंकि हर शहर का अपनी एक खासियत होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कभी भी मैं देखता हूँ यहाँ पर सबका मतलब सेम पहनने का तरीका होता है, खाने का तरीका सेम होता है, हर चीज़ ये लोग ट्राई करते हैं। हमारे वहाँ कैसे गुजरात में जाओ तो गुजराती खाना मिलता है, पंजाब में जाओ तो पंजाबी खाना, या फिर महाराष्ट्र में जाओ तो अपना साउथ का खाना है, मतलब वड़ा पाव है, मतलब स्ट्रीट फूड जो जहाँ से फेमस है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सब जगह पर सेम ही मिलता है तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होता। हमें नई नई जगह देखने का एक्साइटमेंट होता है पर उनके मार्केट या ये सारी चीज़ों का उतना होता नहीं। पर वेलिंगटन में आकर यार पहली बार ऐसा लगा कि पूरा मतलब न्यूजीलैंड अलग है और वेलिंगटन अलग है। ये कैपिटल कैपिटल लगता है, बहुत ज़बरदस्त। हम इतनी सारी स्ट्रीट्स घूमे हैं, सारा कुछ चल के जो मज़ा है मस्ती करते करते, बहुत ज़बरदस्त। आज जो फेस्टिवल था, क्या फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल अगर इंडिया में करते हैं ना तो लोग एंजॉय करेंगे रादर बाहर जाने के। मतलब अभी तो दिवाली वैकेशन आते ही बाहर की ट्रिप बन जाती है। बाहर घूमना ज़रूरी है पर उसके साथ साथ यार अपने देश के त्यौहार मनाने भी ज़रूरी है ना, वरना आने वाली जनरेशन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा त्यौहार क्या कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। क्योंकि हाँ ये है, जैसे दिवाली आ रहा है तो पटाखे ना जला के कोई और तरीका, पर दिवाली का मतलब फटाके जलाना नहीं है। दिवाली का मतलब अपनों से मिलना है, अपनों से अपनों के साथ टाइम बिताना है। अब वो सारी चीज़ें मुझे ख़त्म होती नज़र आती है क्योंकि लास्ट दो तीन दिवाली से मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मेरे फैमिली में या फिर कहीं पर, पर ऐसे जनरली हमें पता चलता है जब एक कोई भी चीज़ ऐसे ट्रेंडिंग पे हो या कुछ हो ना तब तो हमें माहौल पता लगने लगता है, क्योंकि हम लोगों को सोशल मीडिया है सब सारी चीज़ें तो हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है अपने देश में अपने आसपास। आज ही मेरी मम्मी बता रही थी मुझे, मैं जब फ़ोन पे बात कर रहा था ना उनसे तो मुझे बोल रही थी कि तू सोच अगर तू बाहर ना गया होता, न्यूजीलैंड ना गया होता तो तुझे ये सारी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती। ये तेरे पापा का सपना था, ख्वाब था कि तू कब बाहर जाए दुनिया देखे, तुझे पता चले कि दुनिया कैसी होती है। और जब मतलब मैं वहाँ से निकला था तब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सही डिसीज़न नहीं है।
पर लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, उस वजह से ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बाकी ऊपर वाला बैठा है, भरोसा रखना है हमें उस पर।